हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ इस टाइम पे ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पे। मेरे पीछे का जो आप ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये है योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, आपको शिव शंकर जी की प्रतिमा नज़र आ रही है। इधर की तरफ जो रेलवे स्टेशन का ये रास्ता है पीछे की तरफ, और जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन है ये ओपन कर दिया गया है, ट्रेन आनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी इतनी आवागमन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ खोल दिया गया है और आप जा सकते हैं। अधिकांश मात्रा में यहाँ की जो रेलवे है, यहाँ की जो ट्रेन है वो चला दी गई है। अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे और आपको यहाँ की वीडियो में पूरा जरूर दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को दबा दीजिए और उसको ऑल कर दीजिए। तो फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ ये शिव शंकर जी की मूर्ति। तो फ्रेंड्स ये है शिव मूर्ति। और इसी के सामने नंदी महाराज की भी मूर्ति इसमें लगाई गई है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर थोड़ी फोटोज़ वगैरह कैप्चर करने के लिए। अभी हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ और सामने की तरफ अलग अलग तरह से आप लोग यहाँ से आ सकते हैं। इधर की तरफ से भी रास्ता है, और क्योंकि हम लोग अभी सामने के फ्रंट की तरफ से आए हैं, पार्किंग की पूरी सुविधा है यहाँ पर। अभी हम लोग जाने वाले हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये है योग नगरी ऋषिकेश का खूबसूरत नज़ारा रेलवे स्टेशन का। और इधर की तरफ आप लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और हालांकि उस तरफ जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। जो ट्रेन है वो ऋषिकेश तक आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन है। तो फ्रेंड्स जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन है उस पर भी वो भी चालू है, उस पर भी ट्रेन आ रही है, लेकिन कुछ जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो ऋषिकेश तक आ गई हैं। और आप चाहें तो यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इधर की तरफ जो है टिकट घर बनाया गया है, इधर की तरफ टिकट काउंटर है। हालाँकि जो अभी बुकिंग है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, तो यहाँ पर जो काउंटर है ये अभी बंद है, और जो भी कुछ बुकिंग्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। तो फिलहाल अभी चलते हैं इसके अंदर की तरफ और पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर का। तो बिल्कुल भी जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियोस को। फ्रेंड्स अभी जैसे कि मैंने अभी कहा कि अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, तो अंदर की तरफ अलाउड नहीं है क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिनके पास टिकट है यार, जो उधर की तरफ से आ रहे हैं, जिनकी ट्रेन से, केवल वही बंदे, वही पर्सन जो अंदर अलाउड है। तो मैंने बहुत उनसे कहा कि थोड़ी एक मैं प्लेटफॉर्म टिकट के पे कर देता हूँ, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट अलाउड नहीं है। तो अभी लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, केवल आप इसके एंट्री गेट तक जा सकते हैं, और उसके बाद आपको मतलब वहाँ पर जो है गार्ड्स रोक देंगे आपको अंदर जाने के लिए। तो मैं आपको बाहर से ही ये पूरा स्टेशन आपको दिखाने वाला हूँ, और सब कुछ है यहाँ पर, नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के। मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है नज़ारा खूबसूरत, और सामने की तरफ आपको
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सूचनाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि और रजिस्ट्रेशन के पे भी होता है। और मैंने अभी जो तो गार्ड साहब हैं इनसे कहा कि थोड़ा मेरे को अंदर जाने दे, तो अलाउड नहीं करा उन्होंने, केवल जो यात्री हैं वो ही उनका ही आना जाना है। तो जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था, थैंक यू सो मच, और वंदे मातरम और जय माता दी।